मैं एक सिस्टम को वीडियो में लाके या यूट्यूब का कंप्रेस्ड ऑडियो सुना के सिर्फ खुद का रिव्यू देना प्रेफरेबल नहीं मानता, क्योंकि मुझे जो पसंद आया वो आपको पसंद ना भी आ सकता है। इसीलिए मैं ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के डेटा को एनालाइज करके जितने लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया है उन सबका रिव्यू चेक करके सही प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए ज्यादा जस्टिफाइड है। आई डिपेंड ऑन वेबसाइट्स लाइक रेटिंग, गैजेट 360, एजिट, फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मेनी मोर। हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक टी टीवी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम SP8A और S75Q का एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, SP8A LG का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर साउंड बार है। आज भी मेरे पास हज़ारों कमेंट्स आते हैं इसको लेके। अंडर 50,000 मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार्स है, और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज मेरे चैनल पर बना के रखा है, आप लोग जाके वो वीडियोज देख सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, SP8A और S75Q, ये जो दो साउंड सिस्टम है ये ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आता है। दोनों ही साउंड बार एटमॉस है, दोनों ही 3.1.2 सराउंड साउंड सेटअप के साथ आता है, अंडर 50,000 है। तो आज हम इसी दो साउंड बार को लेके कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इन दोनों में आपके लिए कौन सा वाला ज्यादा बेटर होगा। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है दोस्तों। बहुत लोग मेरे चैनल पे कमेंट किए हैं इन दोनों सिस्टम को लेकर कंपेरिजन करने के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो व्यूअर्स, SP8A और S75Q, ये दोनों साउंड बार के अंदर पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पहले मैं बता दूंगा कि इनमें से SP8A ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। क्यों बेटर है वो हम डिटेल में बाद में जानेंगे, पहले हम इसके सिमिलैरिटीज देख लेते हैं और क्या क्या सेटअप है वो देख लेते हैं। दोस्तों, दोनों ही सेटअप आपको 3.1.2 सराउंड चैनल सेटअप के साथ आता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको तीनों चैनल देखने को मिलता है ट्विटर के सेटअप के साथ, और उसके साथ दो एटमॉस चैनल आपको साउंड बार में देखने को मिलता है, एक सबवूफर आपको देखने को मिलता है, और दोनों ही साउंड बार स्टैंड अलोन है, इसमें रेयर किट का ऑप्शन नहीं है। S75Q के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है मेरे पिछले वीडियो में, वहां पे रेयर किट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। और यहाँ पे SP8A जो है, अभी भी मेरे पास मल्टीपल्स कमेंट्स आते हैं दोस्तों कि इसके लिए कौन सा रेयर किट अवेलेबल है। फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, SP8A के साथ कोई भी रेयर किट मॉडल अवेलेबल नहीं है, इसको आपको होल लाइफ आपको स्टैंड अलोन साउंड बार के हिसाब से ही यूज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे दोनों ही साउंड बार आपको मेरिडियन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। LG का ये एक लौता मतलब ऑप्शन है म्यूजिक का, जिसमें आपको बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। मैं खुद अपने साउंड सिस्टम को SP11RA को ऑलवेज म्यूजिक / मेरिडियन में रखता हूँ, क्योंकि वहां पे जो बैलेंस साउंड मुझे प्रोवाइड होता है वो किसी और दूसरे साउंड मोड पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि दोनों ही साउंड बार में आपको मेरिडियन का ऑप्शन मिल जाता है, और दोनों ही साउंड सिस्टम टोटली वायरलेस है। आपको सिर्फ साउंड बार को पावर देना है और अपने सबवूफर को पावर देना है, और टोटली वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। पैकेजिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे SP8A के पैकेजिंग में आपको सारा कुछ मिल जाता है, वॉल माउंट ब्रैकेट, रिमोट, प्रोडक्ट, यूजर मैनुअल, बैटरी, सब कुछ मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको ऑप्टिकल केबल देखने को मिलता है, HDMI केबल नहीं मिलता है, तो बाहर से आपको HDMI केबल खरीदना पड़ेगा। कौन सा HDMI केबल खरीदना है, LG के किसी भी एटमॉस साउंड सिस्टम के लिए मैंने ऑलरेडी रेकमेंडेड वीडियो बना के रखा है कि यही वाला आपको HDMI केबल खरीदना है, क्यों वो मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी HDMI केबल के ऊपर पहले 1200 रुपए बर्बाद कर दिया था। और अभी बताते हैं S75Q के बारे में। S75Q में आपको वही वॉल माउंट ब्रैकेट, प्रोडक्ट, यूजर मैनुअल, बैटरीज, रिमोट, सब कुछ मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको HDMI केबल प्रोडक्ट के साथ मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑप्टिकल केबल के साथ यूज करना चाहते हैं तो वो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही सिस्टम में आपको सेम पोर्ट्स देखने को मिलता है, एक HDMI इन पोर्ट, एक HDMI आउट ER पोर्ट जो आपके टीवी के साथ कनेक्ट होगा, एक ऑप्टिकल पोर्ट और एक USB पोर्ट जहां पे आप म्यूजिक फाइल्स चला सकते हैं, वीडियो फाइल्स नहीं चला सकते। यहां पे 4K पास थ्रू दोनों ही साउंड सिस्टम में आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक HDMI पोर्ट है, मल्टीपल डिवाइसेस आप कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी SP8A ज्यादा बेटर है। यहां पे आपको ब्लूटूथ 5 देखने को मिलता है, उसके साथ साथ वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, मतलब क्रोम का, स्पॉटिफाई कनेक्ट, एप्पल एयरप्ले 2, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सारे सपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन S75Q में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ मिलता है, वाईफाई नहीं मिलता है, तो कोई भी वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ऊपर से S75Q में आपको ब्लूटूथ 4.2 मिलता है, जो कि काफी ज्यादा पुराना है,
और यहाँ पे SP8A में आपको एडवांस्ड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। अभी आते हैं दोस्तों मेन चीज, वो है फीचर। फीचर में यहाँ पे SP8A थोड़ा सा इसमें फीचर्स कम है दोस्तों, जहाँ पे S75Q में फीचर्स ज्यादा है। यहाँ पे SP8A के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस और DTS X का सपोर्ट तो आपको मिल ही जाता है, उसके साथ साथ HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन, ये सारे सपोर्ट आपको पेस्ट्रो में मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको LG सिंक का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब LG TV के रिमोट से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन, स्विच ऑफ स्विच ऑन सारे कंट्रोल्स आप कर सकते हैं। HDMI CEC का ऑप्शन मिलता है, तो ये सारे चीज आपको देखने को मिल जाता है जो जरूरी होता है। और यहाँ पे अगर मैं S75Q को देखूँ तो यहाँ पे Dolby Atmos, DTS X ये सारे ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे वाव इंटरफेस का ऑप्शन मिलता है। वाव इंटरफेस में मैंने काफी ज्यादा वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पे टीवी के डैशबोर्ड से आप पूरे साउंड बार के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिविजुअल चैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड मोड्स में स्विच हो सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे वाव ऑर्केस्ट्रा का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ये भी आपको LG के सिलेक्टेड टीवी मॉडल्स में ही ये ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे टीवी के इंटरनल चैनल को आप साउंड बार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन ये सारे टीवीज में अवेलेबल नहीं है, कौन से मॉडल में अवेलेबल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोनों ही साउंड बार में दोस्तों आपको ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, ऐप के थ्रू आप दोनों भी साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐप में थोड़ा ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि SP8A फिर भी S75Q से बेटर है, क्यों बेटर है अब वो हम जानेंगे। पहला रीजन तो ये है दोस्तों कि यहाँ पे SP8A में आपको बहुत ज्यादा लेंथ देखने को मिलता है। मैं काफी बार बोल चुका हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि साउंड बार के लिए लेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे S75Q में आपको 35.1 इंचेस का लेंथ देखने को मिलता है, जहां पे SP8A में आपको 47.1 इंचेस का लेंथ देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा लंबा है। इसका मतलब, लंबा होने का मतलब है कि आपको ज्यादा वाइडर साउंड स्टेज प्रोवाइड होगा। उसके बाद आता है दोस्तों सब ऊपर, यहाँ पे S75Q में आपको 6 इंच का सब ऊपर मिलता है, जहां पे SP8A में आपको 7 इंच का सब ऊपर मिलता है, और एक डिसेंट क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड करने के लिए एक अच्छा खासा 10x10, 10x12, 12x13 इस तरीके रेंज के जो रूम्स हैं वहां पे रूम को फिल करने के लिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से 7 इंच का सब ऊपर जरूरी होता है, जो यहाँ पे SP8A में देखने को मिलता है, लेकिन आपको S75Q में नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वॉटेज। यहाँ पे SP8A में आपको 440 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है, लेकिन S75Q में आपको 380 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी ऑलवेज SP8A में बेटर है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको, कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा। साउंड क्वालिटी टेस्ट करने के बाद जो डेटा आया है मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S75Q में आपका स्टीरियो फ्रिक्वेंसी रिपोर्ट जो है वहाँ पे आपको 7.1 आउट ऑफ 10 मिला है, जहाँ पे SP8A में आपको 8 आउट ऑफ 10 का मतलब रेटिंग देखने को मिलता है, तो ये काफी ज्यादा बेटर है स्टीरियोफोनिक साउंड क्वालिटी डिलीवर करने में। उसके बाद आता है दोस्तों एटमॉस चैनल का परफॉर्मेंस। यहाँ पे S75Q में आप देख सकते हैं एटमॉस चैनल का परफॉर्मेंस जो है वो 5.3 है आउट ऑफ 10, और यहाँ पे SP8A में 5.5 आउट ऑफ 10 मिला है, तो एटमॉस चैनल का जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा सा बेटर है। लेकिन दोनों ही साउंड बार के लिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि LG के आप ये दोनों छोड़ दो, कोई भी साउंड बार ले लो LG का, कोई भी साउंड बार मैंने नहीं देखा है कि 5.5 को क्रॉस कर पाया है। लेकिन जहाँ पे JBL Samsung के जो फ्लैगशिप साउंड बार्स है, जैसे Samsung Q सीरीज आप बोल सकते हैं, JBL 9.1, JBL 1300X, ये सारे जो साउंड सिस्टम है वो हमेशा 6 के ऊपर का परफॉर्मेंस आपको देता है, 6.5, 6.6 ये सारे रेटिंग उन साउंड बार्स को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे LG के जो साउंड बार है वहाँ पे एटमॉस परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक होता है, वो अराउंड 5 के आसपास घूमता है, इसीलिए रेड के अंदर आ जाता है, एम्बर में भी नहीं जाता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कंटेंट देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन जब आप OTT में देखेंगे, ऑनलाइन TV में आप कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, तो वहाँ पे एटमॉस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लैग करता है LG में, जो मैंने पर्सनली फील किया है। लेकिन बाकी सारे आप अगर फ्लैगशिप साउंड बार देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा रेटिंग देखने को मिल जाता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो स्टैंडअलोन साउंड बार है, मैं कभी भी स्टैंडअलोन साउंड बार उतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि विदाउट रेयर किट
आपको कभी भी एटमोस का वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, आप कितना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर लो। आप यहाँ पे प्रूफ देखो, देख सकते हो कि सराउंड परफॉर्मेंस कैसा है। सराउंड परफॉर्मेंस बहुत कम होता है, क्योंकि एक स्टैंडअलोन साउंड बार कितना भी अच्छा हो, कितना भी ब्रांडेड कंपनी का हो, विदाउट रेयर किट आपको सराउंड इफेक्ट नहीं दे सकता। SP8A में थोड़ा सा ज्यादा आपको इमर्सिवनेस फील होगा, क्योंकि ये वाइडर साउंड स्टेज प्रोवाइड करता है। और S75Q में वो भी थोड़ा सा कम फील हो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे साउंड क्वालिटी में S75Q में थोड़ा सा मुझे इशू देखने को मिला है, वो है बेस का इशू। जब हम म्यूजिक को चलाते हैं, म्यूजिक में बेस थोड़ा सा ज्यादा बूमी लगता है, ज्यादा बेस का जो इशू थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो आपको कभी भी इफेक्ट नहीं करता म्यूजिक में। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉपर से सुनाई देते हैं, वॉइस वोकल्स बहुत प्रॉपर सुनाई देते हैं, लेकिन बेस थोड़ा सा ज्यादा लाउड होता है, ओवर पावर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉन। कॉन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही साउंड बार में सबसे बड़ा कॉन है रेयर किट का। यहाँ पे SP8A में तो आपका रेयर किट का कोई सीन ही नहीं है, आपको होल लाइफ इसको एज अ स्टैंड अलोन साउंड बार यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे S75Q के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है रेयर किट को लेकर, क्योंकि इसका जो डेमी मॉडल है दोस्तों S75QR, उसके साथ रेयर किट आता है लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ नहीं आता है। और S75QR के साथ जो रेयर किट आता है वो SPQ8 जो मॉडल है वही आता है, लेकिन इसके साथ S75Q के साथ वो मॉडल फिट नहीं हो रहा है। काफी लोगों ने ट्राई किया है इसके साथ इसको कनेक्ट करने का, लेकिन कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, फिट नहीं हो रहा है और चल नहीं रहा है। एट दिस मोमेंट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके साथ वो रेयर किट फिट करें, अपना पैसा बर्बाद करें। हो सकता है कि LG बाद में इसमें कोई भी फर्मवेयर अपग्रेड करेगा और उसके साथ ये रेयर किट जो है वो कंपैटिबल हो जाएगा, तब आप इसको खरीद सकते हैं। और S75Q में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आपको वाईफाई नहीं मिलता है, तो ऐसे एटमोस साउंड बार विदाउट वाईफाई फ्यूचर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी वायरलेस एक्टिविटी आप इसमें नहीं कर सकते, नो वॉइस सपोर्ट नथिंग, तो ओनली ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 4.2 है, तो थोड़ा सा कभी कभी कनेक्टिविटी इशू भी आपको इसमें फेस करने को पड़ सकता है। तो ये सारा चीज़ आपको SP8A में नहीं मिलेगा, और ऊपर से SP8A का जो प्राइस है वो अराउंड 25,000 है, जहाँ पे S75Q का जो प्राइस है वो अराउंड 49,000 है। अगर आप ऑफलाइन शॉप में जाएंगे तो थोड़ा सा और डिस्काउंट 1,000-3,000 का हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो यही है, तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एज अ स्टैंड अलोन साउंड बार हमेशा ही मैं SP8A को ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, वो ज़्यादा बेटर है। और ऊपर से एक चीज़ और भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि SP8A जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम से मार्केट में है, चल रहा है, एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, बहुत लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। और वहाँ पे S75Q का अभी भी उतना ज़्यादा रिव्यूज नहीं है, ज़्यादा लोगों ने इसको परचेस नहीं किया है, तो उतना ज़्यादा फीडबैक हमारे पास अभी तक नहीं आया है। तो इस वजह से भी SP8A ज़्यादा रिकमेंडेड है, इस प्रोडक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं और कम प्राइस में भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।